20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए, कैसा लग रहा है यह आंकड़ा सुनकर? और कैसा लगा था जब हफ्ते भर पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से पहली बार 20 लाख करोड़ सुना था? टीवी पर आकर प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को यह रकम बताकर गए तो आपको भी लगा होगा मोदी जी इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, अब तो सबके दुख दर्द हर लेंगे। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है, 20 लाख 2020 में। और मोदी जी 20 लाख करोड़ इन 2020 लेकर आए, मोदी जी कह गए। फिर उनकी वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज समझाने आई। 5 दिन लगे पूरा समझाने में। सरकार की इतनी मेहनत के बाद भी खर्चे का हिसाब 2-3 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी जीडीपी का 10% नहीं, करीब 1-1.5%। बार्कलेज एक पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंग्लैंड की, उसने एस्टिमेशन लगाई अमाउंट है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। केयर रेटिंग्स, उसने एस्टिमेशन लगाया कि अमाउंट है 2.73 लाख करोड़ रुपीस। HSBC इंडिया ने कहा है कि अमाउंट है अराउंड 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ना कि 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था का 10% खर्च करने को नहीं था तो हम उस ऊंचे दावे से बच सकते थे। जनता कोरोना से त्रस्त है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाह कट रही है, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें आंकड़ेबाजी से ज्यादा सच सुनने की जरूरत थी। सरकार अपनी जेब से जीडीपी का 0.75% खर्च कर रही है, 10% नहीं। आधे से ज्यादा ऐलान वो हैं जो हम बजट में भी सुन चुके थे, जिन्हें लागू करने या उन पर जोर देने के लिए सरकार को किसी महामारी की जरूरत नहीं थी। फिर सरकार ने ये राग दोबारा क्यों आलापा? 30 लाख करोड़ का बजट एक दिन में पेश हो जाता है और जिस पैकेज को सरकार 20 लाख करोड़ का बता रही है उसे पेश करने में वित्त मंत्री 5 दिन लेती है। पहले वो अंग्रेजी में पढ़ती हैं, फिर वही बात अनुराग ठाकुर हिंदी में पढ़ते हैं। 5 लंबी और उबाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल जवाब होते हैं तो कई सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। मैडम, जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, और जो माइग्रेंट्स से तो हम नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आज की डेट में जेब खाली है, पेट खाली है, और जो योजनाएं हैं वो बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं। क्या कुछ मंथली तय किया है कि इतना डिस्बर्स करेंगे, कि टारगेटेड है कि इतना हमको काम शुरू करना है, तेजी से काम शुरू करना है? बैंक्स को कहा गया कि इतना हम बांटते जाएंगे? और दूसरा कि पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छा लोकल वोकल फॉर लोकल बात हुई, लेकिन उस दिन स्वदेशी जागरण मंच, BMS ने सबने बहुत अप्रिसिएट किया, पर कल जो कोल माइन वगैरह सब बातें हुई हैं तो वो कह रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ जॉबलेस की तरफ ले जाएंगी, और वो स्वयं जो आपके विचार परिवार के हैं वो विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को अपने काम करने का तरीका बदलना चाहिए और लोगों से सत्य बोलना चाहिए। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है, ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। 20 लाख 2020 में। आपको लगा होगा वो पैकेज आपका भला करने